नमस्कार, चिंतन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में समय और दूरी से संबंधित एक अन्य प्रकार के उदाहरण को मैं लेकर के आया हूँ। आज का जो वीडियो है समय और दूरी से संबंधित यह 10वां वीडियो है, जिसमें आप देखेंगे टाइम एंड डिस्टेंस से संबंधित यह 5वीं टाइम एंड डिस्टेंस के अंतर्गत, समय और दूरी के अंतर्गत ट्रेन से संबंधित प्रश्नों का मैं आज यह 5वां वीडियो बना रहा हूँ। अभी तक के जितने भी वीडियोस हैं उन सब में मैं प्रयास किया कि जितने भी प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं या जितने प्रकार के प्रश्नों के पूछे जाने की संभावना है, प्रश्न तो कई प्रकार के बनेंगे यदि आप विभिन्न किताबों को आप देखें, विभिन्न प्रकार के परीक्षाओं को देखें तो उसमें कई प्रकार के प्रश्न बनते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ प्रकार के प्रश्नों का चयन किया हूँ जिसके पूछे जाने की संभावना नेट के फर्स्ट पेपर में अधिक है। तो उस सीरीज़ का यह समय और दूरी से संबंधित 10वां वीडियो है और ट्रेन से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं उसका यह 5वां वीडियो आज का है। तो चलिए आइए, नेट फर्स्ट पेपर की तैयारी करने वाले जितने भी विद्यार्थी हैं मेरे इस वीडियो को ध्यान से देखें। देखिए, ट्रेन से संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं या जो भी पूछे जा रहे हैं बहुत कठिन नहीं हैं, उन सबको जानने के लिए थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। जो सूत्र हैं समय और दूरी से संबंधित, उन सूत्रों को याद करने की आवश्यकता है। यहाँ पर आप देखें स्क्रीन पर कुछ सूत्र यहाँ पर हैं, पिछले 9 वीडियोस में मैं इन सबको आप सभी लोगों को दिखाते आया हूँ ताकि आप इसे बार बार पढ़ करके याद कर सकें, और मुझे पूरा उम्मीद है कि ये सब आप लोगों को अभी तक याद भी हो गया होगा। तो चलिए आइए, आज की जो यह वीडियो है उसमें मैं जिस उदाहरण को लेकर के आया हूँ आते हैं उस प्रश्न पर। हम लोग आज के इस वीडियो में जो प्रश्न मैं लेकर आया हूँ, एक ही प्रश्न मैं लेकर आया हूँ, थोड़ा यह ध्यान से आप सभी लोग समझें क्योंकि अन्य प्रश्नों से थोड़ा सा यह अलग प्रकार का है, क्योंकि यहाँ पर कुछ बीजगणितीय जो नियम हैं उनका भी यहाँ पर प्रयोग करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। प्रश्न को पढ़ना, जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ आप लोगों को कि प्रश्न का अच्छे से पढ़ना समझना बहुत ही आवश्यक है। तो आप जब भी मैथ के प्रश्नों को लगाएं, गणित के प्रश्नों को लगाएं, तो उसके प्रश्न को आप बार बार पढ़ें ताकि आपको यह समझ में आए कि प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है और प्रश्न में क्या क्या आंकड़े उपस्थित हैं, क्या क्या आंकड़े हैं उपलब्ध हैं जिनके आधार पर इस प्रश्न में पूछे गए प्रश्न का उत्तर हमें देना है। तो जब आपको यह समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से आंकड़े हैं उपलब्ध हैं, तो आप आसानी से पूछे गए प्रश्न का उत्तर दे लेंगे, क्योंकि उसके बाद जो आपको ज्ञात करना होगा उससे संबंधित जो भी सूत्र होगा आप उस पर तुरंत बाकी सारे आंकड़ों को रख करके अपना उत्तर आप प्राप्त कर लेंगे। तो इस बात पर विशेष ध्यान आप लोग दें, अगर इस पर आप ध्यान देंगे तो निश्चित ही गणित के जो भी प्रश्न हैं वो आपको आसान लगने लगेंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। प्रश्न क्या है हमारा कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से चल रहे हैं, चल करके, ठीक है, मतलब उसके जो रेलगाड़ी है हमारी उसकी चाल में अंतर नहीं हो रहा है। अगर वो 100 की स्पीड से चल रही है तो 100 के ही स्पीड से प्लेटफॉर्म को भी वह पार कर रही है और उसी स्पीड से वह पुल को भी पार कर रही है। ठीक है, तो एक रेलगाड़ी एक समान चाल से चलकर 140 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 17 सेकंड में तथा 220 मीटर लंबे पुल को 21 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। ठीक है, देखिए भाई, यहाँ पर रेलगाड़ी जब भी किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी या किसी पुल को पार करेगी तो प्लेटफॉर्म या पुल को पार करते समय ट्रेन को कितनी दूरी चलनी पड़ेगी? ट्रेन
प्लेटफॉर्म को पार करने में या पुल को पार करने में अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म या पुल की लंबाई के योग के बराबर की दूरी चलती है। ठीक है, किसी भी ट्रेन को यदि प्लेटफॉर्म को पार करना है तो कितना दूर चलना होगा, प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस अपनी लंबाई, ट्रेन की अपनी लंबाई, यह जो टोटल दूरी आएगी इतनी दूरी ट्रेन को चलनी होती है। ठीक है, या पुल को पार करना है तो अपनी लंबाई प्लस पुल की लंबाई के बराबर की दूरी उसे चलना होता है। तो देखिए, अब समझने वाली बात यहीं पर है, यह जो प्रश्न है आप देखिए, समान चाल से चल रहा है तो सबसे पहले आपको मान लेना है कि इसकी चाल कितनी है, एक्स वाई जेड जो भी आपको मानना हो आप मान लीजिए। फिर इसके बाद देखें इस पूरे प्रश्न में, फिर से एक बार मैं पढ़ रहा हूँ, देखिए, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से चल कर 140 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 17 सेकंड में तथा 220 मीटर लंबे पुल को 21 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। प्रश्न तो आपसे पूछा जा रहा है रेलगाड़ी की चाल निकालना है, लेकिन यहाँ पर रेलगाड़ी की लंबाई कहीं पर दी हुई है पूरे प्रश्न में। मैं दोबारा इसीलिए इसको पढ़ा कि इस पूरे प्रश्न में क्या कहीं आपको ये दिख रहा है कि रेलगाड़ी की लंबाई दी हुई है? नहीं। इसका मतलब क्या है कि इस प्रश्न में आपको रेलगाड़ी की जो लंबाई है उसको भी मानना पड़ेगा, एक्स वाई जेड कुछ भी। ठीक है, इस प्रकार से आगे अभी मैं बता रहा हूँ सिस्टमेटिक ढंग से, तो अच्छी तरह से समझ में आएगा। अभी मैं जो बता रहा हूँ उसको समझने का प्रयास करें, क्योंकि ये थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, समझने वाली चीज़ें हैं, अगर इसको आप एक बार समझ लेंगे तो आसान रहेगा। तो देखें, ठीक है, तो इस प्रश्न में रेलगाड़ी की लंबाई भी नहीं दी हुई है, और जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो प्लेटफॉर्म को पार करने में प्लेटफॉर्म की लंबाई यह दी हुई है इतना और प्लस अपनी लंबाई चलेगी। ठीक है, ट्रेन की अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की यह 140 मीटर, इतना दूरी तय करने में ट्रेन को कितना समय लग रहा है, 17 सेकंड लग रहा है। और ठीक इसी प्रकार से ट्रेन को अपनी लंबाई प्लस पुल की लंबाई 220 मीटर, दोनों का योग, इसको पार करने में 21 सेकंड का समय लग रहा है। ठीक है, तो यही आधार है इस प्रश्न को सॉल्व करने का। ठीक है, यहाँ से आपको दो समीकरण बनेंगे और इन दोनों समीकरणों को आपको सॉल्व करना होगा। दोनों समीकरणों को आप सॉल्व कर लेंगे, आपका जो है उत्तर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम लोग देख लें, स्क्रीन पर है जो इसके चार ऑप्शंस हैं, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा, 78 किलोमीटर प्रति घंटा, 84 किलोमीटर प्रति घंटा और 90 किलोमीटर प्रति घंटा, इसमें से कौन सा सही होगा, तो अभी हम लोग हल करते हैं तो हमें पता चल जाएगा। सबसे पहला काम हमें क्या करना है, मान लेना है, क्या मान लेना है, रेलगाड़ी की चाल कितनी है। ठीक है, और रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। तो देखें, सबसे पहले हम मान लेंगे, माना रेलगाड़ी की चाल कितनी है, वाई मीटर प्रति सेकेंड। भाई देखिए, ये सब लंबाइयाँ मीटर में हैं, इसलिए मैं किलोमीटर प्रति घंटा नहीं माना हूँ, बल्कि क्या मान लिया हूँ, मीटर प्रति सेकेंड ही। अगर किलोमीटर प्रति घंटा मान लूँगा तो यहाँ पर जो लंबाई है ना मीटर में, इसे हमको किलोमीटर में बदलना पड़ेगा। ठीक है, और साथ में यह जो सेकंड है ना, समय हमारा सेकंड में दिया हुआ है, इसको घंटे में बदलना होगा। ठीक है, तो जब ये छोटी यूनिट में है, मीटर और सेकंड में है, तो हम जो चाल है उसको मीटर प्रति सेकंड में ही मान लेते हैं। वाई मीटर प्रति सेकंड की चाल से रेलगाड़ी हमारी क्या है, गतिमान है। ठीक है, दूसरा आप मान लेते हैं कि माना रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, जेड मीटर। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, जेड मीटर मान लिया हमने। ठीक है, स्पीड वाई मीटर प्रति सेकेंड और लंबाई जेड मीटर। ठीक है, इतना हो गया। अब देखें, सबसे पहले हम यहाँ तक को देखते हैं, प्लेटफॉर्म को पार करने का। ठीक है, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से चलकर 140 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 17 सेकेंड में पार करती है। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है कि ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करने में कितनी दूरी चलेगी। ठीक है, तो देखिए, रेलगाड़ी द्वारा प्लेटफॉर्म को पार करने में चली गई दूरी, यानी कि प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस अपनी लंबाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई प्रश्न में दी हुई है 140 और ट्रेन की लंबाई हमने मान लिया है जेड, तो जोड़ दिया, 140 प्लस जेड मीटर ये हो जाएगी। तो ट्रेन को
प्लेटफॉर्म को पार करने में इतना दूरी तय करना होगा, 140 प्लस जेड मीटर की दूरी तय करनी होगी। और इतने मीटर की दूरी को तय करने में समय कितना लग रहा है? 17 सेकेंड। ठीक है, तो अब आपके पास डिस्टेंस हो गया, समय हो गया, तो स्पीड आपको मालूम हो जाएगा, चाल बराबर क्या होगा? दूरी बटे समय। अब यही हमको यहाँ पर क्या करना है, इस सूत्र को लगा देना है। तो रेलगाड़ी द्वारा प्लेटफॉर्म को पार करने में लगा समय बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हम क्या करेंगे, समय निकालना है हमको। ये समय, समय के सूत्र पर ही हम इसे लगाएंगे। तो समय का सूत्र क्या होता है? दूरी बटे चाल। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अगर आप ये निकालते चाल बराबर दूरी बटे समय पर अगर आप चलते, ठीक है, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो क्या करना होता? चाल हमारी यहाँ पर है वाई, तो ये हो जाएगा, हमने मान रखा है वाई, तो वाई बराबर दूरी कितनी हो जाएगी? दूरी 140 प्लस जेड है, तो ये हो जाएगा 140 प्लस जेड और डिवाइडेड बाई समय, ये 17 सेंटीमीटर है। ठीक है, अभी जो 17 यहाँ पर भाग दे रहा है, इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा बराबर, ठीक है, 17 वाई बराबर कितना हो जाएगा? 140 प्लस जेड, ये होगा। ठीक है ना, अब इस जेड को इधर लेते आएंगे तो ये इसमें क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 17 वाई माइनस जेड बराबर 140 हो जाएगा। 17 वाई माइनस जेड बराबर क्या हो जाएगा? 140। ठीक है ना, तो अगर आप चाल बराबर दूरी बटे समय सूत्र का प्रयोग करेंगे तो ये इस प्रकार से हो जाएगा, और यहाँ पर ये आपका क्या होगा, एक समीकरण बन जाएगा। लेकिन अगर समय पर लेकर के चलेंगे बात वही पड़ेगी। ठीक है, समय बराबर दूरी बटे चाल, अगर इस सूत्र को हम लेकर के चलते हैं, चूँकि मैंने इसमें यही सूत्र लगाया है, तो देखिए समय बराबर दूरी बटे चाल, समय कितना है? 17 सेकंड यहाँ रख दिया, दूरी हमारी 140 प्लस जेड, और यहाँ पर देखिए वाई, वाई देखिए यहाँ पर था, यहाँ समय भाग दे रहा था, अब यहाँ क्या है, चाल से भाग हो रहा है। ठीक है, अब क्या होगा, यह जो वाई है जब हम इसका पक्षांतर करेंगे तो इधर आके क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए y यहाँ से जब इस पक्ष में आया तो 17y बराबर 140 प्लस जेड, देखिए जो हमारा समीकरण बना ये यही बना। ठीक है ना, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है कौन सा आप सूत्र यूज कर रहे हैं इस प्रश्न के लिए। ठीक है, बस ये है कि जो भी प्रश्न आप यूज, जो भी सूत्र आप यूज करिए उसमें ध्यान से कैलकुलेशन करें। ठीक है, पक्षांतर करते समय ध्यान रखें कि भाग हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके गुणा ही होगा। ठीक है, गुणा हो रहा है दूसरी तरफ जा करके भाग ही होगा। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। अब देखें, y यहाँ भाग दे रहे थे, इधर आकर के गुणा हो गया, तो 17y बराबर कितना हो जाएगा? 140 प्लस z। अब यह जो z यहाँ है, देखिए ये क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो इसको इधर हम लेते आते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए यह चर पद है और ये भी चर पद है, तो चर पदों को हम एक तरफ ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, जब इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 17y माइनस z बराबर कितना हो जाएगा? 140। ये हो गया हमारा पहला समीकरण। ठीक है, चलिए, तो प्लेटफॉर्म 140 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को ट्रेन को पार करने में 17 सेकंड लगता है। इस एक वाक्य से हमने यह पहला समीकरण प्राप्त कर लिया। अब आगे, ट्रेन 220 मीटर लंबे पुल को पार करने में 21 सेकंड का समय लेती है, इससे अब हम दूसरा समीकरण अपना बनाते हैं। तो देखिए इसके लिए फिर ऐसे ही हमको निकालना होगा, रेलगाड़ी द्वारा पुल को पार करने में चली गई दूरी बराबर पुल की लंबाई प्लस उसकी अपनी लंबाई। ठीक है, तो देखिए सेम चीज़ है, रेलगाड़ी द्वारा पुल को पार करने में चली गई दूरी बराबर पुल की लंबाई प्लस अपनी लंबाई, यानी कि पुल की लंबाई कितनी है, 220 मीटर, और प्लस अपनी लंबाई जेड, इतना मीटर, 220 प्लस जेड मीटर। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर रेलगाड़ी द्वारा पुल को पार करने में लगा समय, ठीक है, समय, समय हम निकालते हैं, तो समय का सूत्र क्या है, दूरी बटे चाल। यहाँ देखिए जो हमारी ये हमारा प्रश्न है, यहाँ पर मैं शॉर्ट में प्रश्न लिख रखा हूँ, है ना, देखिए जब पुल को पार कर रहा है तो समय कितना लग रहा है, 21 सेकंड, ठीक है ना, तो इस समय की जगह हम क्या लिखेंगे, 21, दूरी ये है, पुल को पार करने में जो दूरी लग रही है वो क्या है, पुल की लंबाई प्लस ट्रेन की अपनी लंबाई, तो पुल की लंबाई 220 मीटर और प्लस ट्रेन की अपनी लंबाई जो हमने मान रखा है जेड मीटर, बराबर क्या हो जाएगा, 220 प्लस जेड, और चाल हमने मान रखा है वाई। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखें, इस समय की जगह हमने क्या रख दिया, 21, ये 21 सेकंड, ठीक है, इसको रख दिया, दूरी ये
कितना दूरी चलना होगा पुल को पार करने में, पुल की लंबाई प्लस ट्रेन की अपनी लंबाई, ये दूरी, और डिवाइडेड बाई चाल वाई। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे, वाई देखिए यहाँ भाग हो रहा है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो इधर आएगा ये, तो क्या हो जाएगा 21y, ठीक है, वाई यहाँ भाग दे इधर के गुणा हो जाएगा, 21 में वाई का गुणा होगा तो 21y बराबर 220 प्लस जेड, ठीक है। अब देखें यह जो चर है इसको हम जब इस पक्ष में लाएंगे तो यहाँ क्या हो रहा है, ये प्लस हो रहा है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 21y माइनस जेड बराबर 220, ये हमारा दूसरा समीकरण प्राप्त हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा दूसरा समीकरण ये हमें प्राप्त हुआ, इसमें से पहले समीकरण को हम क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक है। तो समीकरण नंबर दो में से समीकरण नंबर एक को घटाने पर, समीकरण दो क्या है हमारा, देखिए 21y माइनस जेड बराबर 220, ये हमने यहाँ पर ये प्राप्त किया है, और समीकरण एक क्या है, 17y माइनस जेड बराबर 140, जो पीछे हमने प्राप्त किया था। अब हम क्या करेंगे, यह जो समीकरण है दूसरा वाला, इसमें से पहले वाले को घटा देंगे। तो जब भी आप घटाते हैं तो ऐसे लाइन खींच लेते हैं घटाने के लिए, और यहाँ लिख देते हैं घटाने पर, ठीक है, घटाने पर, जब घटाने घटाएंगे तो क्या होगा, सबका चिन्ह बदल जाएगा। देखिए जिसको हम घटाते हैं उसका चिन्ह बदल जाता है, इसका चिन्ह क्या है, यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है, यानी कि प्लस का चिन्ह है, ठीक है। तो जब हम घटाएंगे तो इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। और देखिए ये माइनस का है तो इसका चिन्ह प्लस हो जाएगा, यहाँ पर भी कोई चिन्ह नहीं है यानी कि प्लस का है, तो इसका भी चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 21 में से 17 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 4y, और ये जेड देखिए, यह प्लस जेड और ये माइनस जेड, इसका देखिए माइनस है और इसका चिन्ह माइनस से चेंज होकर के प्लस हो गया है, ठीक है, माइनस से चेंज होकर के क्या हो गया है, प्लस हो गया है, तो दोनों क्या हो, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है भाई, ये है ना सीधा सीधा, माइनस जेड और माइनस जेड था, अब ये इसको हमें घटाना था तो इसका चिन्ह माइनस से हमने प्लस कर दिया, तो ये माइनस और ये प्लस दोनों क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे भाई, पाँच में से पाँच घटा देंगे तो जीरो ही तो आएगा, तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है। और 220 में से 140 को घटा देंगे तो ये कितना आएगा, देखिए 21y में से 17y घटा देंगे तो 4y आ जाएगा, और 220 में से 140 घटाएंगे तो 80। अब देखिए 4y बराबर 80, तो y का मान कितना हो जाएगा, 4 यहाँ गुणा कर रहा है, तो 4 को इधर लाएंगे तो भाग हो जाएगा, y बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ आकर के भाग देगा 4, तो कितना आ जाएगा, 20, y बराबर 20 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। ये चाल हमें देखिए प्रश्न में निकालना क्या था, रेलगाड़ी की चाल ही ज्ञात करनी थी, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी थी, और चाल हमने मान रखा था y मीटर प्रति सेकेंड, तो y का मान आ गया 20, यानी कि रेलगाड़ी की चाल कितनी है, 20 मीटर प्रति सेकेंड। अब देखिए जो हमारा आंसर है वो किलोमीटर प्रति घंटा में, यानी कि अभी हमको इसको क्या करना है, मीटर प्रति सेकेंड से किलोमीटर प्रति घंटा में भी बदलना है ना। तो चलिए आइए अब इसको हम लोग, जो हमारी स्पीड मीटर प्रति सेकंड में आई है इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदल लेते हैं, तो रेल की चाल, रेलगाड़ी की चाल क्या हो जाएगी, 20 गुणे, अब देखिए मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हमको क्या करना होता है, 18/5 से गुणा करना होता है, हमने कर दिया, 5 से कट जाएगा, 5 × 4 = 20, और 4 × 18 = 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, पहला वाला, ठीक है, पहला वाला ऑप्शन 72 किलोमीटर पर आवर, यह हमारा आंसर आ गया। अब देखें यहाँ पर यह जो प्रश्न था, इस प्रश्न में रेलगाड़ी की चाल पूछी गई थी, लेकिन अगर इसमें रेलगाड़ी की चाल की बजाय पूछा गया होता रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, ठीक है, तो अब हमें क्या करना होगा, देखिए वाई का मान निकल गया है, वाई का मान आ गया है 20 मीटर, ठीक है ना, ये आ गया। अब वाई का मान अगर हम इन दोनों में से किसी भी एक समीकरण में रख देंगे तो ट्रेन की लंबाई भी हमको पता चल जाएगा, ठीक है ना। इस प्रश्न में कहीं भी देखिए, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से चलकर 140 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 17 सेकेंड में तथा 220 मीटर लंबे पुल को 21 सेकेंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें, इस प्रश्न में रेलगाड़ी की लंबाई नहीं दी हुई है, ठीक है ना, तो रेलगाड़ी की लंबाई भी पूछी जा सकती थी, ठीक है ना। तो यदि रेलगाड़ी की लंबाई पूछी जाती तो इतना प्रोसेस तो करना ही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, वाई का मान आ गया।
अब हमें क्या करना है, y के मान को समीकरण एक में या दो में किसी में भी रख करके हम निकाल लेंगे। तो चलिए समीकरण एक में ही रख लेते हैं। समीकरण एक क्या है हमारा, 17y माइनस जेड बराबर 140, यही है समीकरण एक। अब इसमें हम y का मान रख देते हैं, y का मान कितना है 20, तो ये हो जाएगा आपका 17 गुणे वाई का मान 20, ठीक है, और माइनस जेड जेड बराबर 140, ठीक है। तो 17 में 20 का गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 340 माइनस जेड बराबर 140। अब देखिए ये जेड यहाँ पर माइनस हो रहा है, इसको इधर लेते आइए तो कितना हो जाएगा, 340 बराबर 140 प्लस जेड, ये हो जाएगा। अब देखिए 140 यहाँ पर क्या हो रहा है, जुड़ रहा है ना, इसको इस पक्ष में लाइए तो घट जाएगा, 340 माइनस 140 बराबर जेड, तो अब जेड का मान निकल जाएगा, ठीक है। 340 से 140 घटा दीजिए कितना बचेगा, 200 बराबर जेट, जेट का मान कितना आ गया 200, ये 200 मीटर, ठीक है, जेट का मान कितना आ जाएगा 200 मीटर। तो हमने मान रखा था ट्रेन की लंबाई कितनी है, यही तो मान रखे हैं ना, जेड, ठीक है, तो 200 हो गया। अब देखिए यहाँ पर अगर आप इसको रखते हैं, ये समय है ना, समय बराबर दूरी बटे चाल, 200 प्लस यहाँ देखिए 220 मीटर है पुल की लंबाई, और 200 मीटर क्या हो जाएगा आपका ट्रेन का, आपके ट्रेन की लंबाई है ना, तो 220 और 200 बराबर कितना हो जाएगा, 420 मीटर की दूरी हो जाएगी, और चाल कितना हमने निकाला है 20, भाग दे दीजिए है ना, 2 2 जा 4 और 2 1 जा ये 21 आ गया, यानी कि हमारा ये जो उत्तर आया है वह सही है, उत्तर की जांच भी हो गई, ठीक है। तो इस प्रकार से आप प्रश्नों को लगाएंगे। तो देखिए यह जो प्रश्न था इसमें रेलगाड़ी की चाल आपसे पूछी गई थी वह हमने निकाला, साथ ही साथ यदि रेलगाड़ी की लंबाई पूछी गई होती तो उसको कैसे निकालेंगे वह भी मैं आपको बता दिया। तो रेलगाड़ी की लंबाई अगर पूछी गई होती तो इतना प्रोसेस करने के बाद फिर इतना हमको करना था, ठीक है ना, करेंगे तब जा करके हमें पता चल जाएगा कि रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। तो यह जो प्रश्न है इसको थोड़ा सा ध्यान से समझें, कहीं कुछ अगर आपको समस्या आती है तो पीछे जा करके रिमाइंड करके आप पुनः से इसको देख लीजिए और समझने का प्रयास करिए। बहुत ही आसान है, एक बार यदि आप प्रोसेस को समझ लेते हैं तो फिर आसानी से आप इस प्रश्न को लगा लेंगे, ठीक है। अब विश्वास है कि यहाँ पर बीजगणितीय जो नियम है, जो उसकी प्रक्रिया है, उसको भी थोड़ा सा यहाँ पर लगाना पड़ा है इस प्रश्न में, ठीक है। तो यदि आपका बीजगणित थोड़ा सा भी अच्छा होगा तो आप आसानी से ऐसे प्रश्नों को लगा लेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, आपके लिए प्रश्न है, अभ्यास का प्रश्न है, देखें आपके लिए अभ्यास का प्रश्न क्या है। एक रेलगाड़ी 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 21 सेकंड में तथा उस प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 9 सेकंड में पार कर जाती है, रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यह जो प्रश्न है, अभी जो मैं आपको उदाहरण दिया हूँ वैसा ही प्रश्न है। वहाँ पर देखिए उस प्रश्न में क्या था, ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार कर रही थी कुछ समय ली, और यहाँ पर क्या कह रहा है, और साथ ही क्या था कि एक पुल को पार कर रही थी, ठीक है। प्लेटफॉर्म को पार करने में जो समय लगा वह दिया हुआ था, फिर पुल को पार करने में जो समय लगा वह दिया हुआ था, ठीक है। प्लेटफॉर्म की लंबाई, प्लेटफॉर्म को पार करने में जो समय लगा वह, फिर पुल की लंबाई और पुल को पार करने में जो समय लगा वह दिया हुआ था। इस प्रश्न में देखिए वैसा ही प्रश्न है, यहाँ पर ट्रेन जो रेलगाड़ी है ना, इसकी लंबाई दी हुई, इसकी भी लंबाई यहाँ पर नहीं दी गई है, ठीक है। लेकिन यहाँ देखिए क्या कर रहा है, 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, ठीक है, प्लेटफॉर्म को पार करने, प्लेटफॉर्म की लंबाई और प्लेटफॉर्म को पार करने में जो समय लग रहा है वह दिया हुआ, फिर साथ ही साथ कह रहा है कि उसी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 9 सेकेंड में पार कर जाती है ना, ठीक है।
तो देखें, मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, आप उससे जो है इस प्रश्न को लगा लीजिएगा। प्लेटफॉर्म को पार करने में ट्रेन को प्लेटफॉर्म की लंबाई और प्लस अपनी लंबाई के बराबर की दूरी चलनी होगी, और व्यक्ति को पार करने में, यह जो व्यक्ति है इसको पार करने में सिर्फ अपनी लंबाई के बराबर की दूरी चलनी होगी। तो पिछले प्रश्न में जहां आप प्लेटफॉर्म की लंबाई और ट्रेन की लंबाई से एक समीकरण बनाएं और पुल की लंबाई और ट्रेन की लंबाई से दूसरा समीकरण बनाएं, वैसे ही यहाँ पर आपको क्या करना होगा, प्लेटफॉर्म की लंबाई, नहीं ये प्लेटफॉर्म की लंबाई और यह पार करने वाली समय, ठीक है, इसके आधार पर आपको क्या करना होगा, एक समीकरण बनाना होगा। और आदमी को पार कर, या जो व्यक्ति है इसको पार करने वाला है ना व्यक्ति, और इसको पार करने में जो समय लगा है इससे आपको दूसरा समीकरण बनाना होगा। तो पिछले प्रश्न की तरह आपको यहाँ पर मान लेना होगा कि रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, उसकी स्पीड कितनी है, ठीक है। और इस प्रश्न में देखिए रेलगाड़ी की स्पीड नहीं पूछी गई है, चाल नहीं पूछी गई है, बल्कि रेलगाड़ी की लंबाई पूछी गई है। तो प्रोसेस उतना ही करना है, पहले आपको क्या करना होगा, मान लेना होगा कि ट्रेन की लंबाई क्या है और ट्रेन की स्पीड क्या है। इसके बाद आपको क्या करना होगा, दो समीकरण बनाने होंगे, प्लेटफॉर्म को पार करने में लगा समय है ना 21 सेकेंड है, इसके आधार पर, ठीक है, एक समीकरण बनाना होगा। फिर व्यक्ति को पार करने में जो समय लगा इसके आधार पर आप एक और समीकरण बनाएंगे, दोनों समीकरणों की तुलना करके फिर आप क्या करेंगे, वाई का मान या जेड का मान, एक मान आप निकाल लेंगे, और उसके बाद फिर एक का मान निकल जाएगा तो दूसरे चर का भी मान आप निकाल लेंगे, ठीक है। ऐसे इस प्रश्न को आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो ये रहा आज के इस वीडियो में प्रश्न। अगली वीडियो में अन्य टॉपिक के साथ, अन्य शीर्षक के साथ आऊँगा, और अगला जो हमारा नेट का जो यह 5वां यूनिट है इसमें टाइम एंड डिस्टेंस से यह 10 वीडियो में बनाया हूँ। अब अगले शीर्षक पर मैं जाऊँगा, ठीक है। अगले शीर्षक से संबंधित जो भी प्रश्न होंगे मैं प्रयास करूँगा कि नेट फर्स्ट पेपर में पूछे जाने वाले जो भी प्रश्न बन सकते हैं उनको मैं लेकर के आऊँगा। तो इसके बाद की जो वीडियो है वह नए टॉपिक के साथ होगी, तो उसको भी देखना आप नहीं भूलिएगा, ठीक है। मेरा प्रयास है कि मैथ एप्टीट्यूड, जो मैथमेटिकल एप्टीट्यूड है, इससे संबंधित नेट में जितने भी शीर्षक हैं, आपके नेट के सिलेबस में जितने भी शीर्षक हैं, उन सब से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनका एक श्रृंखलाबद्ध मैं वीडियो आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकूं, ठीक है। तो इस प्रयास में आज यह ट्रेन से संबंधित, टाइम एंड डिस्टेंस से संबंधित यह अंतिम वीडियो है। तो अंतिम कह रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि आगे नहीं बनाऊँगा, नए प्रश्न मिलेंगे, नए प्रकार के प्रश्न रहेंगे, तो मैं उनको भी लेकर के आऊँगा और बनाऊँगा, ठीक है। तब तक के लिए आप अपना अभ्यास जारी रखें, और ऐसे विद्यार्थी जो अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, मेरा निवेदन है कि वे हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आगे आने वाले जितने भी वीडियोस हैं वह उन तक लगातार पहुंचती रहे, ठीक है। आप सभी का हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो उसे आप ज़रूर से लाइक करें और अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि वे सभी भी मेरे इस वीडियो से लाभान्वित हों और नेट की परीक्षा में आप सब सफलता को प्राप्त करें। धन्यवाद।